प्रिय शिक्षार्थियों, पाठ्यचर्या पर्यंत भाषा पाठ्यक्रम के इस सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है भाषिक प्रयुक्तियों में भिन्नताएं, वेरिएशन इन लैंग्वेज रजिस्टर्स। भाषिक प्रयुक्तियों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उससे पहले जरा विचार करिए कि क्या आप जिस भाषा का प्रयोग अपने मित्र से बात करते समय करते हैं वही भाषा माता पिता या अन्य बड़ों से भी प्रयोग करते हैं? क्या जिस भाषा का प्रयोग अपने निकट संबंधियों से करते हैं उसी भाषा में अपने उच्च अधिकारियों, अपने प्राचार्य या औपचारिक रूप से किसी वरिष्ठ पद पर पदस्थ व्यक्ति से भी वार्तालाप करते हैं? क्या व्यक्ति का, परिस्थिति का आपके बातचीत के लहजे पर कोई प्रभाव नहीं होता है? क्या किसी घरेलू समारोह और साक्षात्कार में आप एक सी भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या आपकी भाषा, स्वर, शब्द चयन, हाव भाव प्रत्येक स्थिति में एक से रहते हैं? मुझे आशा है कि जब आप इन प्रश्नों पर गहन चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका उत्तर है नहीं, अर्थात आपकी भाषा व्यक्ति, समारोह, स्थान, पद प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार बदलती है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो हम विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही भाषिक प्रयुक्तियां कहा जाता है। आइए जानें कि भाषिक प्रयुक्तियां हैं क्या। पर ये जानने से पहले आइए एक उदाहरण और देखें। ये पति पत्नी के बीच का वार्तालाप है। यदि उन्हें कहीं जाना है और देर हो रही है तो एक दूसरे से अक्सर कहता है जल्दी करो देर हो रही है। यही बात यदि आप अपने सहकर्मी से कहें तो आपकी भाषा हो सकती है हमें चलना चाहिए अन्यथा हमें देरी हो जाएगी। यही बात यदि आपको अपने अधिकारी से कहनी हो तो आप शायद ये कहेंगे सर बैठक 4:15 बजे निर्धारित है, 4 बज गए हैं, क्या आपको लगता है कि हमें अब चलना चाहिए? आप देखिए एक ही बात को कहने के तरीके, वाक्य विन्यास, व्याकरण सब बदल जाते हैं जब बात करने वाला व्यक्ति कौन है ये हमारे समक्ष होता है। कई भाषाओं में भिन्न परिस्थितियों के लिए भिन्न शब्दावली, वाक्य संरचना और बोलने की शैली होती है। यहां तक कि कुछ भाषाओं में भिन्न प्रकार से उच्चारण भी। जो भाषा जितनी प्रचुर और समृद्ध होती है उसमें उतनी ही अधिक भिन्नता पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषिक प्रयुक्तियां विविध सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग है। वाचन, लेखन या संकेतन, भाषा प्रयुक्तियों का प्रयोग सभी जगह होता है। यह औपचारिकता का वह स्तर है जिस पर आप बात करते हैं। वास्तव में यह भाषा के प्रयोग में आपके द्वारा परिस्थिति के अनुसार किए जाने वाले बदलाव हैं। आइए देखें कि भाषिक प्रयुक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो विभिन्न भाषाविदों ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं, परंतु जो सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण है वह जूस महोदय ने 1967 में दिया और उन्होंने भाषिक प्रयुक्तियों के 5 प्रकार बताए। स्थिर प्रयुक्तियां, फ्रोजन या स्टैटिक रजिस्टर्स, औपचारिक प्रयुक्तियां, फॉर्मल रजिस्टर्स, परामर्शिक प्रयुक्तियां, कंसल्टेटिव रजिस्टर्स, अनौपचारिक प्रयुक्तियां, कैजुअल रजिस्टर्स और अंतरंग प्रयुक्तियां, इंटीमेट रजिस्टर्स। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। जब हम स्थिर प्रयुक्तियों की बात करते हैं अर्थात फ्रोजन या स्टैटिक रजिस्टर्स की बात करते हैं तो मूलतः ये प्रयुक्तियां ऐतिहासिक भाषा या संप्रेषण में दिखाई देती हैं, जैसे कोई प्रार्थना, पौराणिक ग्रंथ की भाषा, कोई प्रण या शपथ, संविधान की प्रस्तावना। ये सब चीजें समय, काल और व्यक्ति के अनुसार बदलती नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि स्थिर प्रयुक्तियां सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नहीं होती हैं। जो दूसरे प्रकार की प्रयुक्तियां हैं उन्हें हम औपचारिक प्रयुक्तियां कहते हैं। हमारी शैक्षणिक भाषा, व्यवसायिक या कानूनी संप्रेषण, भाषण, औपचारिक सूचनाएं एवं घोषणाएं, कोई प्रस्तुतिकरण, यह सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें भले ही स्थिर प्रयुक्तियों की तुलना में दृढ़ता थोड़ी कम हो पर यह पूरी तरह से संगठित और सुसंरचित होती हैं। इनमें निर्वाधता, आदरपूर्ण कथ्य और औपचारिकता की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए किसी कार्यालय से जारी होने वाले कार्यालयी वृत्त, किसी संगोष्ठी का संचालन करने वाले संचालक की भाषा आदि। तीसरे प्रकार की प्रयुक्तियां परामर्शिक प्रयुक्तियां हैं। जब हम किसी अपने से अधिक ज्ञानवान या विशिष्ट जानकारी रखने वाले व्यक्ति या किसी वरिष्ठ से बात करते हैं या उससे सलाह की इच्छा रखते हैं तब हम इस प्रकार की प्रयुक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां सामान्यतः भाषा आदरपूर्ण रहती है,
व्यवसायिक परिस्थितियों में भी यह स्वीकार्य भाषा होती है, जैसे अध्यापक विद्यार्थी के बीच का संवाद, न्यायाधीशों और वकीलों के बीच का संवाद, चिकित्सक और मरीज के बीच का संवाद या वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच का संवाद। परंतु कभी कभी इन परामर्शिक प्रयुक्तियों में हमें थोड़ी अनौपचारिकता भी देखने को मिलती है। वह अक्सर तब होती है जब संबंध गहरे और पुराने हों। कभी कभी भाषा में अशिष्टता, सामने वाले को बोलने से रोकना या उसमें हम अवरोध भी उत्पन्न कर देते हैं, जैसे किसी मैकेनिक या जो वार्षिक सेवा प्रदाता जो हमारे घर की किसी सेवा के लिए है उसके समक्ष हम अधिकारपूर्ण भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। परामर्शिक प्रयुक्तियों के बाद अनौपचारिक प्रयुक्तियां आती हैं। ये प्रयुक्तियां हम अपने मित्रों से, सहकर्मियों से, सहपाठियों से या परिवार के सदस्यों के बीच प्रयोग करते हैं। यहाँ भाषा में अधिक अनौपचारिकता होती है। सामान्य रूप से अशिष्ट माने जाने वाले शब्द भी हो सकते हैं, कुछ लघु संकेत भी हो सकते हैं, देशज व्याकरण हो सकता है। इन सभी का समावेश आपको अनौपचारिक प्रयुक्तियों में देखने को मिलता है। जब आप सोचते हैं कि समूह में क्या बात की जाए, तो शायद आप इसी प्रयुक्ति में सोचते हैं। घर के चबूतरे पर, बाजार में, किसी जन्मदिवस समारोह में या किसी पड़ोसी से छत पर रोजमर्रा की बातचीत, ये सब अनौपचारिक प्रयुक्तियों के द्वारा ही होते हैं। जो पांचवें प्रकार की प्रयुक्तियां हैं उन्हें हम अंतरंग प्रयुक्तियां कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाषा विज्ञानी ये मानते हैं कि ये प्रयुक्तियां दो व्यक्तियों के मध्य विशिष्ट परिस्थितियों या नितांत निजी अवसरों पर प्रयुक्त होती हैं। पूर्णतः घरेलू और देशज भाषा, संकेतों की बहुलता, व्याकरण से अधिक भावनाओं का संप्रेषण इसमें सम्मिलित होता है। माता पिता और संतान के बीच का संवाद, दो मित्रों द्वारा आपस में साझा किया जाने वाला कोई चुटकुला, किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में निंदा या गोपनीय बातचीत, या दो प्रेमियों और पति पत्नी के बीच का निजी संवाद, ये सब अंतरंग प्रयुक्तियों के उदाहरण हैं। जब हम भाषा में सामान्य प्रयुक्तियों की बात कर रहे हैं, तब हमें यह भी समझना चाहिए कि भाषिक प्रयुक्तियां केवल वाचन में ही नहीं वरन लेखन में भी प्रयोग होती हैं। भाषिक प्रयुक्तियां आपके लेखन में आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शब्दावली, संरचना और व्याकरण का निर्धारण करती हैं। लेखन में भाषिक प्रयुक्तियों के तीन प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं, औपचारिक प्रयुक्तियां, अनौपचारिक प्रयुक्तियां और तटस्थ प्रयुक्तियां। जब हम औपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों की बात करते हैं, तो जो व्यवसायिक पत्र हैं, शिकायती पत्र हैं, निबंध हैं, प्रतिवेदन हैं, संस्थानिक भाषा हैं, घोषणा पत्र हैं, या जो आप अपने दफ्तर से अपने अधिकारियों को वृत्तिक ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल भेजते हैं, वे सब औपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों के लिखित में उदाहरण हैं। औपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम संक्षिप्त रूपों का प्रयोग ना करें, कि तीसरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर लिखें, अर्थात मैं, मेरा, तुम्हारा आदि के प्रयोग से बचें, घुमा फिरा कर लिखने से बचें। अंग्रेजी में कहा जाता है पैसिव वॉइस का प्रयोग ना करें। देशज भाषा, कहावतें, मुहावरे, अपरिपक्व भाषा का प्रयोग ना करें, जैसे कि, इसलिए, यद्यपि, संभवता, ऐसे शब्दों से वाक्यों को प्रारंभ ना करें। पूर्ण वाक्य लिखें, वरन हम कभी कभी लंबे और जटिल वाक्य भी यहाँ लिख सकते हैं। जब हम अनौपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों की बात करते हैं लेखन में, तो हमारे व्यक्तिगत ईमेल, फोन संदेश, लघु टिप्पणियां, मित्रवत पत्र जो हम अपने मित्रों को लिखते हैं, ब्लॉग जिसमें हम अपने मन की बातें लिखते हैं, अपनी डायरी या दैनंदिनी और जर्नल जो हम लिखते हैं, उन सब में अक्सर हम अनौपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक भाषिक प्रयुक्तियों में आप देखेंगे देशज और घरेलू शब्दों की बहुतायत होती है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है, लघु और संक्षिप्त रूप भी देखने को मिलते हैं, कई बार कथन अधूरे और छोटे वाक्य के रूप में होते हैं, यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी को भी संबोधित हो सकते हैं, चुटकुले, व्यक्तिगत विचार, अतिरिक्त विराम चिन्ह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ सीधे कथन भी हो सकते हैं और घुमा फिरा कर पूछे गए कथन भी। तीसरे प्रकार की प्रयुक्तियां लेखन में तटस्थ भाषिक प्रयुक्तियां कहलाती हैं। गैर संवेदी विषयों या सामान्य सूचना की भाषा या औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। ये ना तो सकारात्मक होती है ना नकारात्मक, तथ्य बताने में प्रयुक्त होती है। कुछ लेख भी तटस्थ प्रयुक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे साहित्य का सर्वेक्षण लेख, कुछ पत्र, कुछ निबंध और तकनीक लेख आदि सभी तटस्थ भाषिक प्रयुक्तियों के उदाहरण हैं। जब हम भाषिक प्रयुक्तियों पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो आइए एक और वर्गीकरण की बात करते हैं। कुछ भाषाविद भाषा की सामान्य प्रयुक्तियों को चार भागों में बांटते हैं। पहली है प्रचलित प्रयुक्तियां। प्रचलित प्रयुक्तियों में
व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का अभाव होता है, प्रचलित भाषा होती है, अधूरे कथन होते हैं, जैसे घर में या दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद, आओ, आता हूँ, बाद में आता हूँ, तू देख लेना, आ भाई चल, इस तरह के जो शब्द हैं, यहाँ व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। परंतु जो औपचारिक प्रयुक्तियां हैं, इनकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, इनमें व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह, भाषा की गुणवत्ता, शब्दावली का चयन, इन सब का ध्यान रखा जाता है। कार्यालय वृत्त, आलेख, सूचना प्रपत्र आदि इसके उदाहरण हैं। वहीं अनौपचारिक प्रयुक्तियों में सामान्य बातचीत की भाषा होती है, वाक्य संरचना और व्याकरण का ध्यान रखा जाता है, जैसे अध्यापक छात्र के बीच का संवाद, आपके द्वारा किसी यात्रा का लिखा गया वर्णन, या जो दैनिक समाचार पत्र आप पढ़ते हैं उसकी भाषा, वह भी अनौपचारिक ही होती है, क्योंकि वह पाठक को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। चौथे प्रकार की प्रयुक्तियों को यहाँ अनुष्ठानिक प्रयुक्तियां कहा गया है। आजकल शोध पत्रों, किसी सार्वजनिक या शैक्षणिक कार्यक्रम के संचालन में, किसी के जीवन वृत्त का परिचय देते समय, किसी का स्वागत करते समय, किसी का धन्यवाद ज्ञापित करते समय, हम बहुत से अनुष्ठानिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें ये औपचारिक प्रयुक्तियां सी लगती हैं, परंतु औपचारिक प्रयुक्तियों की तुलना में इनमें औपचारिकता का स्तर बहुत अधिक होता है। प्रयुक्तियां चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, प्रयुक्तियों में भिन्नताओं के कुछ आधार हैं। प्रयुक्तियों में भिन्नताओं का पहला आधार माध्यम है, अर्थात ये प्रयुक्तियां कहां प्रयोग की जा रही हैं। बोलने की भाषा और लिखने की भाषा, वाचन की भाषा और लेखन की भाषा एक ही विषय में अलग अलग हो सकती है। प्रयुक्तियों में भिन्नताओं का दूसरा आधार है प्रक्षेप, कि वह प्रयुक्तियां कहां प्रयोग की जा रही हैं। विज्ञान की भाषा, गणित की भाषा, कानून की भाषा, इतिहास की भाषा भिन्न होती है। भाषा की उपयोगिता भी इसका एक आधार है। भाषा विज्ञापन की हो, सरकारी कागज की हो या समाचार की हो, ये जिस उपयोग के लिए प्रयोग की जा रही है उसी के अनुसार इसमें प्रयुक्तियां प्रयोग होती हैं। प्रयुक्तियों में भिन्नताओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार अभिप्राय है, आपकी भाषा का लहजा। आप किसे लिख रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, आप किस सामाजिक परिस्थिति में हैं, यह भी आपकी प्रयुक्तियों में भिन्नताओं को निर्धारित करता है। एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि एक माँ अध्यापिका है, तब भी वह अपने बच्चे से उसी भाषा में, घर में और उसी भाषा में विद्यालय में बात नहीं करती। उसकी भाषा घर और विद्यालय में भिन्न होती है। भाषिक प्रयुक्तियों के चार निर्धारक माने गए हैं। पहला निर्धारक है श्रोता, दूसरा विषय वस्तु, तीसरे उद्देश्य और चौथे अवसर या परिस्थितियां। जब हम श्रोता की बात करते हैं तो श्रोता और पाठक दोनों इसमें सम्मिलित हैं। हमें अपने विद्यार्थियों को यह समझाने की आवश्यकता है, या हमारे विद्यार्थियों को यह समझने की आवश्यकता है कि भिन्न प्रकार के श्रोता के लिए भिन्न प्रकार की भाषा होनी चाहिए। उनके संगी साथियों से उनकी चर्चा, माता पिता से उनकी चर्चा, अध्यापक से उनकी वार्ता या बड़ों से उनका संवाद, प्रत्येक में भिन्न प्रकार की प्रयुक्तियां प्रयोग होती हैं। ऐसे ही लिखते समय भी विद्यार्थी को औपचारिकता का ध्यान रखना होता है। लेखन में प्रयुक्त शब्दावली का चयन जिसके लिए लिखा जा रहा है, अर्थात उस पाठक को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भाषिक प्रयुक्तियों की दूसरी निर्धारक विषय वस्तु है, अर्थात विभिन्न विषयों, उनके प्रकरणों में भिन्न संवाद और लेखन शैलियां होती हैं। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी क्लिष्ट और साहित्यिक भाषा के स्थान पर वैज्ञानिक शब्दावली को महत्व देते हैं, हमें अपने विद्यार्थियों को विविध लेखन शैलियों का साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। भाषिक प्रयुक्तियों के तीसरे निर्धारक उद्देश्य है, बोलने और लिखने का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को यह समझाने की हमें आवश्यकता है। यदि उद्देश्य सूचना देना है या तर्क करना, विमर्श करना है या वर्णन करना, व्याख्या करना है या कारण प्रभाव संबंध बताना, जो भी उद्देश्य होता है उसी के अनुसार भाषिक प्रयुक्तियां प्रयोग होती हैं। सही उद्देश्य का पता होने पर सही भाषिक प्रयुक्ति का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों को सामान्य शैक्षणिक शब्दावली से भी परिचित कराए जाने की आवश्यकता है। आप चाहें तो वाक्य संरचना, किसी भी लेखन के प्रारंभिक और अंतिम कथन और उचित भाषा का अभ्यास भी कराया जा सकता है। भाषिक प्रयुक्तियों के चौथे निर्धारक वे अवसर और परिस्थितियां हैं जहां ये प्रयुक्तियां प्रयोग होती हैं। अवसर और परिस्थितियां भाषिक प्रयुक्तियों के उपयोग को अधिक स्पष्ट करती हैं। विद्यालय में, कक्षा में, परिवार में, किसी सामाजिक आयोजन में, किसी सार्वजनिक समारोह में, शैक्षणिक कार्यक्रम में या खेल के मैदान में, सभी स्थानों पर भाषिक प्रयुक्तियों में भिन्नता होती है। विद्यार्थियों में हमें ये समझ विकसित करनी चाहिए कि उनकी भाषा पुस्तकालय, भोजनालय या बाजार में एक जैसी नहीं हो सकती। उन्हें अपनी भाषा को
परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित और परिमार्जित करना होता है। जब हम भाषिक प्रयुक्तियों की शैक्षणिक उपादेयताओं की चर्चा करते हैं तो हमें अपने विद्यार्थियों को सभी प्रकार की प्रयुक्तियों के उदाहरणों को समझने के लिए देना चाहिए, जैसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में स्थिर प्रयुक्तियों के उदाहरण आसानी से मिलते हैं तो भाषण और प्रयोगशाला की प्रतिवेदन इन सब में औपचारिक प्रयुक्तियों के अच्छे उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही परामर्शिक प्रयुक्तियां विद्यार्थी अध्यापक से, प्रशासक से, विद्यालय में आए किसी अतिथि वक्ता से और जब अपने संगी साथियों से चर्चा करते हैं तो वहां सीख सकते हैं। प्रयुक्तियों के अभ्यास से बच्चे न केवल अपने वृत्तिक जीवन बल्कि साक्षात्कार के लिए भी अच्छे से तैयार हो सकते हैं। प्रयुक्तियों के अभ्यास भाषा कौशल और विषय वस्तु के बीच के अंतः संबंधों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हैं। तो आइए शिक्षकों, हम सब अपने विद्यार्थियों को अपने अपने शिक्षण विषय में भाषा प्रयुक्तियों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को अनुभव करने का अवसर दें, उन्हें भाषा प्रयुक्तियों के सही स्थानों पर सही प्रयोग समझाएं, बताएं और उन्हें सीखने के अवसर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत